सब्सक्राइब करें traveldham.com के youtube चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट ट्रैवल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू traveldham.com बाय राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रैवल आज की वीडियो में हम स्वीडन का टूरिस्ट वीजा फॉर्म भरेंगे स्वीडन यूरोप की एक कंट्री है जिसका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए हमें vfs global की वेबसाइट पे जाना होता है सो so, ये है हमारी VFS Global की साइट जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ये कुछ इस तरह से खुलेगा यहाँ हम बिगेन योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड वीजा करेंगे यहाँ एज यू कैन सी दे आर आस्किंग फॉर द टाइप ऑफ वीजा यू वॉन्ट टू अप्लाई टूरिस्ट स्टडी मेडिकल विजिटिंग रिलेटिव और फ्रेंड तो हम टूरिस्ट वीजा सेलेक्ट करेंगे यहाँ एक ओवरव्यू व्यू वीजा का हमें दे दिया गया है क्योंकि स्वीडन है तो शेनिगन वीजा लगेगा हे यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ द वीजा फीस

मतलब दो हफ्ते करीबन सो so, अब हम डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे पीडीएफ हैं सबसे पहले है हमारा शनिगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म तो ये है आपका टूरिस्ट वीजा फॉर्म जो हम अभी भरेंगे पहले हम देख लेते हैं कि और क्या है ये एक सैम्पल uh, एप्लीकेशन है जिसमें आपको समझ में आएगा कि पासपोर्ट का कौन सा डिटेल कौन से कॉलम में भरना है प्रोटेक्शन नोटिस है ये आप पढ़ के इसका प्रिंट निकाल के लेके जाएंगे मैंडेटरी कंसेंट फॉर्म फॉर माइनर्स अगर 18 साल से नीचे की उम्र के बंदे का वीजा फॉर्म भरा जा रहा है तो ये फॉर्म आपको निकालना है भरना है और लेके जाना है पावर ऑफ अटैनी ये यूजली उन लोगों के लिए काम पे आएगा जो वहां रेजिडेंस जाते हैं या जॉब के पर्पज से जा रहे हैं और मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस इफ यू वॉन्ट मेडिकल ट्रेवल इंश्योरेंस फ्रॉम दिस साइट ओनली तो ये फॉर्म आप डाउनलोड करके भर के इसका प्रिंट लेके जाएंगे तो चलिए हम हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं सो so, सबसे पहले अपना सरनेम डालते हैं उसके बाद नीचे सेकेंड कॉलम है सर नेम बर्थ तो यहाँ सर नेम तब डालना है अगर वो पहले पहले दूसरा था था जैसे कि मैरिज के पहले आपका सरनेम कुछ और था और अब चेंज हो गया तो मैरिज से पहले वाला सरनेम आप इस कॉलम में डालेंगे अगर सेम है तो फिर आप उसी सरनेम को दोबारा लिखेंगे सेकेंड सर नेम रिपीट करना होगा फिर हमारा गिवन नेम फिर डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ में हमें सिटी मेंशन करनी है कंट्री ऑफ बर्थ में हमारी कंट्री का नाम दैट इज इंडिया एंड देन हमारी सिटीजनशिप इंडियन नेशनलिटी एट बर्थ अगर कुछ और रही है तो आपको नेशनलिटी एट बर्थ एक डिफरेंट वाले कॉलम में उस कंट्री का नाम मैंशन करना होगा देन वील सिलेक्ट अर जेंडर हमारा मेरिटियल स्टेटस पेरेंटल अथॉरिटी फॉर द माइनर्स तो ये कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देंगे नेशनल आइडेंटिटी नंबर अगर आपका वोटर आई कार्ड आधार कार्ड और इवन अगर आप डिटेल्स डालना चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो आप कॉलम ब्लैंक छोड़ सकते हैं देन विल सिलेक्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो हमारा है आप अपने पासपोर्ट की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पासपोर्ट नंबर डाल देंगे डेट ऑफ इश्यू डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी एंड देन पासपोर्ट की इशू प्लेस इसके बाद आप देख सकते हैं कॉलम नंबर सेवनटीन इसमें आपको जो डिटेल्स हैं हमें ये इसलिए ब्लैंक छोड़ना है बिकॉज ये यूरोपियन अगर आप हैं तो आपको अपने डिटेल्स इसमें भरने और एल्स नहीं तो हमें ये ब्लैंक छोड़ना दोनों ही कॉलम इन सिटीजन्स के लिए है तो हमें नहीं भरने हैं नाइनटीन में ये हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस मांग रहा है और साथ में हमारा ई एड्रेस हमारा टेलीफोन नंबर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी अगर आप किसी और कंट्री के रेजिडेंस भी हैं आपकी करंट कंट्री के अलावा तो यहाँ आपको यस yes लिख के उसके डिटेल्स देने हैं नहीं तो आप नो no पे सिलेक्ट करेंगे आपका ऑक्यूपेशन आपको डालना है योर कंपनी नेम एज वेल एज योर डेजिग्नेशन अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी इफ योर हाउस वाइफ देन यू हैव टू मैंशन आपका रेजिडेंशियल एड्रेस नीचे दोबारा लिखना है नहीं तो आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे एड्रेस डालेंगे और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऊपर स्टूडेंट लिख के नीचे अपने कॉलेज का इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालेंगे हमारा पर्पस ऑफ जर्नी टूरिज्म है अगर आप किसी काम से जा रहे हैं मेडिकल रीजन से जा रहे हैं जिस रीजन से जा रहे हैं आप उस रीजन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्प ऑफ स्टे में अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कि आई टू दिस कंट्री विद फैमिली अगर आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप ये एक लाइन एड करके लिख सकते हैं नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं नाउ दे आर आस्किंग मेंबर ऑफ ऑफ स्टेट मेन डेस्टिनेशन तो हमारा है स्वीडन हम वही लिखेंगे मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री स्वीडन में आप सबसे पहले यहाँ लैंड कर रहे हैं आप उस जगह का नाम लिखेंगे पी आर रेटिंग स्टॉक होलम अब नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे हम आपको मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए तो हम मल्टीपल एंट्री पे ही सिलेक्ट कर रहे हैं नॉ दे आर आस्किंग कि आपकी ट्रैवलिंग डेट यानी कि अराइवल डेट स्टॉकओलम में क्या होगी तो हम वो लिखेंगे तो मल्टीपल एंट्रीज करने के बाद हमें यहाँ पे हमारी अराइवल डेट इन स्टॉकओलम जो भी स्वीडन में आपकी अराइवल डेट है वो मैंशन करनी है और आपकी डिपार्चर डेट मैंशन करनी है देन दे आर आस्किंग क्या कभी आपके फिंगरप्रिंट्स पहले हुए हैं अगर आपके पहले कभी शनिगन वीजा के लिए फिंगरप्रिंट्स हुए हैं तो आपको यस पे सिलेक्ट करना है अगर आप डेट और डिटेल्स जानते तो आप मेंशन करेंगे नहीं तो कोई बात नहीं तो आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ना है और अगर कभी नहीं हुआ है तो नो पे सिलेक्ट करना है कॉलम नंबर ट्वेंटी इसमें आप देख सकते हैं लिखा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री डेस्टिनेशन वेयर इट्स एप्लीकेबल ये कॉलम आपको तब भरना है अगर आप इस कंट्री में कुछ देर रुक के आप फाइनली किसी और कंट्री में लैंड करने वाले हैं मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और कंट्री है तो आप इस कॉलम में उस कंट्री की डिटेल्स भरेंगे अदरवाइज अगर आप सिर्फ इसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जिसका हमने फॉर्म खोला नाउ दे आर आस्किंग सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन और इन केस ऑफ अ होटल नेम अगर आप किसी फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे और अगर आप किसी होटल में रह रहे हैं तो आप उस होटल का नाम यहाँ मेंशन करके नीचे उसका एड्रेस देंगे और यहाँ उसका टेलीफोन नंबर देंगे थर्टी वन कॉलम पे अगर आप किसी कंपनी की तरफ से इनवाइट किए गए हैं तो आप कॉलम नंबर थर्टी नहीं भरेंगे थर्टी वन भरेंगे यहाँ पे आप उस कंपनी का नाम डालेंगे नंबर डालेंगे और नीचे उसका एड्रेस और डिटेल्स डालेंगे थर्टी टू में आपसे पूछा जाता है कि आप अपना खर्चा कैसे उठा रहे हैं अगर आप अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं तो आप एप्लीकेंट हिमसेल्फ पे क्लिक करके जैसे भी आप पेमेंट करने वाले वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रीपेड अकोमोडेशन है प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है कैश है और एल्स अगर आपका खर्चा कोई उठा रहा है तो आप बाय बायॉन्सर लिख के यहाँ मैंशन करेंगे की आपको कौन आपका खर्चा उठा रहा है और वो किस तरह से उठा रहे हैं अगर वो आप सारा ही खर्चा आपका उठा रहे हैं तो ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड ड्यूरिंग द स्टे पे आप ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे इस तरह पूरा फॉर्म भरने के बाद आप इसका प्रिंट निकालेंगे यहाँ डेट एंड प्लेस लिखेंगे सिग्नेचर करेंगे और अपनी फोटो की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फोटो की हार्ड कॉपी निकाल के ये सब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ लेके एम्बेसी में जाएंगे फोटो स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने बताया आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और फोटो स्पेसिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके उनकी हार्ड कॉपी लेनी है फोटो की प्रिंट लेनी है और इस भरे हुए फॉर्म का प्रिंट लेके एम्बेसी जाना हो आपका वीजा लगने में हम पहले बता चुके हैं यहाँ बता रखा है पांच से सत्रह दिन का टाइम लगता है या आ, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं होप यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग